इस्तकबाल है आप सबका हमारे यूट्यूब तिब्बी चैनल शेख उज़ैर हेल्थ केयर में। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। दोस्तों, आज हम आप हजरात की खिदमत में शुगर से निजात दिलाने वाला शुगर नॉर्मल गोली, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ा ही कीमती नुस्खा है, लेकर हाज़िर हुए हैं। शुगर कितना भी हो, कोई सी भी किस्म हो, इंसुलिन लेता हो, इन सब का हतमी इलाज है। और हफ्ता अशरा में ही, यानी हफ्ता 10 दिन में ही शुगर को नॉर्मल कर देता है। और अगर आपने ये नुस्खा मुसलसल यानी लगातार 3 महीने इस्तेमाल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आते हैं नुस्खे की तरफ। आपको लेना है बर्ग नीम यानी नीम के पत्ते, गुड़मार बूटी, गोंद कुंदर, दालचीनी, कलौंजी, करेला खुश्क यानी सूखा करेला, और कुश्ता बेज़ा मुर्ग, और अफसंतीन, और तुखम सरस। ये इन सब चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। और सारी चीज़ों को मिलाना नहीं है, बल्कि अलग अलग कूट पीस करके इनका पाउडर बनाना है। इनका पाउडर बनाने के बाद अलग अलग आपको सबका रुब तैयार करना है। जब इनका रुब तैयार हो जाए अलग अलग, फिर आप इन रुब बनाने के बाद इन सबको एक जगह मिला लीजिए और इनकी चने के बराबर गोली बना लीजिए। दो दो गोली सुबह शाम पानी के साथ खिलाएं और तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें और शीरनी से भी यानी मिठाई से भी दूर रहें। अलबत्ता पुराना गुड़ बग़ैर मसाले वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया तो हफ़्ता 10 दिन में ही आपका शुगर नॉर्मल हो जाता है। और अगर लगातार आपने 3 या 4 महीने इस्तेमाल कर लिया तो आपका शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली पोस्ट एकदम आपको मिलती रहे। तो बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। हमारे चैनल पर मज़ीद तिब्बी मालूमात व तहकीकात, जिस्मानी अमराज और उनके इलाज, कुदरती जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, फलों और सब्ज़ियों के ख़ास और उनके फ़वाइद, और बहुत से अपने तजर्बात और मुजर्बात बयान किए जाते हैं और आसान से आसान इलाज बताए जाते हैं। इन सारी जानकारी के लिए आप ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।